सब वरिष्ठ जन यज्ञ कुंडों पर विराजमान हो जाएंगे। आपको यहाँ पर कुछ जो सारे वैज्ञानिक जो पीछे धीमी गति से चल के आ रहे हैं, थोड़ा सा पराक्रम कीजिए चलने में भी। और श्रद्धेय आचार्य श्री भी अभी कुछ ही पलों में हमारे बीच में आ रहे हैं। तो बच्चों, जिस बात की ओर मैं आपका संकेत कर रहा था कि हम हर दिन इन संकल्पों से ओतप्रोत रहे। सब मेरे साथ बोलेंगे, हमारा जन्म सामान्य कार्य करने के लिए नहीं हुआ है। जब हम सामान्य रूप से भी, हमको भी ये खाना पीना जीना, ये नौकरी, ये धंधा, ये छोटा बिजनेस है, व्यापार, कुछ कारोबार, कुछ कैरियर, हमने आ रहा हो गया, बस बात खत्म हो गई। ये जो सोच है, इससे हमें बाहर निकलना होगा। और हमें ये सोचना होगा कि मुझे इस धरती पर कुछ विशेष कार्यों के संपादन के लिए भगवान ने पैदा किया है, विशेष क्षमताओं के साथ में, विशेष बोध के साथ में, अप्रतिम ज्ञान, अप्रतिम संवेदना, अप्रतिम पुरुषार्थ, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य के साथ ईश्वर ने मुझे घड़ा है। जब ये भाव चेतना आपकी रहेगी तो आप जीवन में कुछ श्रेष्ठ प्रतिमान, कीर्तिमान घड़ेंगे। और आपके भीतर एक अग्नि, एक ज्वाला धधक रही होगी हमेशा कि मुझे इस धरती पर अपने पूर्वजों की परंपरा को यशस्वी बनाने के लिए, ऋषियों का सच्चा उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि होकर के, मैं बार बार एक बात कहता हूं, मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं ऋषि परंपरा का उत्तराधिकारी हूं, प्रतिनिधि हूं। मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं भारत माता का प्रतिनिधि हूं। जैसे रामो विग्रहवान धर्म है, तो मैं भगवान राम की तरह धर्म का, योग धर्म का, अध्यात्म धर्म का, ऋषि धर्म का, मैं राष्ट्र धर्म का विग्रहवान रूप हूं। और मुझे कुछ ऐसा जीवन में करना है जिससे मेरे जीवन का कर्तव्य, मेरा गंतव्य पूरा हो, और अपने इस कर्तव्य, अपने इस मंतव्य और गंतव्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते हुए मुझे वो करना है जीवन में जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे सारी शक्तियों से युक्त किया है। कितनी अद्भुत रचना है हम प्रभु की, और कितनी कृपा उसकी है, कितना अनुग्रह है उस प्रभु का कि एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने अनंत सामर्थ्य दे करके, एक पिंड में सारे ब्रह्मांड का समावेश करके धरती पर हमारा अवतरण किया है। माना कि भगवान राम, कृष्ण, शिवादि ये सब अवतारी सत्ताएं हैं, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद जैसे महापुरुषों में अप्रतिम सामर्थ्य था, लेकिन हम उन्हीं पूर्वजों की संतानें हैं और वही सामर्थ्य हमारे भीतर है। एक क्षण के लिए भी हमारे जीवन में कोई नैराश्य और कुंठा ना आए और हम अपने आप को निरंतर घड़ते रहे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। इसलिए मैंने एक दिन हमारे गुरुकुलों के जो प्राचार्य गण हैं, पूज्य साध्वी देव वरेण्या जी, पूज्य साध्वी डॉक्टर आचार्य देव प्रिया जी, पूज्य स्वामी ईशदेव जी, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी आदि सभी को इस बात को कहा कि सप्ताह में एक दिन हम इस तरह से मिलकर के संकल्पित हों, प्रतिबद्ध हों। हमारे प्राचार्य आराधना जी भी है, डॉक्टर रितंभरा जी भी यहाँ पर विराजमान है, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे पूरे पतंजलि परिवार के लिए जो बहुत ही श्रद्धे ऐसे पिता तुल्य डॉक्टर महावीर जी भी है, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर हैं और सारे हमारे साइंटिस्ट भी आ गए हैं। ये भी
पतंजलि परिवार के विद्यार्थी भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, और हमारे उन ऋषियों के जिनके बारे में सोलहवें साइंटिस्ट महानुभाव महापुरुषों ऋषियों के बारे में ऐसा कहा जाता है, साक्षात कृत धर्माणा ही ऋषयः, जिनको पदार्थ विज्ञान और ऊर्जा विज्ञान, मैटर और एनर्जी, जीवन और जगत के दृष्टादृष्ट सत्यों का यथार्थ बोध हो गया है, जिनको दिखता था, उनको अंतः चक्षुओं से दिखता था, आप वैज्ञानिक चक्षुओं से देखते हो, यांत्रिकी चक्षुओं से देखते हो, और नए नए आप अनुसंधानों आविष्कारों को सामने रखते हो। आज भी हम सुबह 10 बजे से बैठे हुए थे और आज हम जहां पहुंचे हैं, मैं निष्कर्ष के रूप में 2-3 बातें बताना चाहता हूं। जैसे आज से 10-20 साल पहले तक कोई नहीं कह पाता था कि यूनिलीवर, कोलगेट, पीएनजी, डिटॉल, ये जो एमएनसीज के बड़े बड़े, एफएमसीज के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनके सामने कोई टिक पाएगा, इनको टक्कर दे पाएगा, इनको टक्कर देना ही बहुत बड़ी बात थी। हमने तो इनको शीर्षासन करा करके उनसे भी बड़ा नाम और काम इस देश में करके दिखाया है। सद्य आचार्य श्री भी बहुत मधुर मधुर आलाप करते हुए हमारे बीच में पहुंच गए हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री यज्ञ कुंड पर ही सामने विराजमान है, और आदरणीय राकेश जी, आदरणीय हमारे परमार्थ देव जी, अनुराग जी, वेद प्रिया जी, और सारे हमारे जितने भी बैठे वरिष्ठ, जितने भी हमारे साइंटिस्ट महापुरुष हैं, ऋषि ऋषिकाएं हैं वर्तमान के, वो भी सब ज्योतिष जी से लेके, कुणाल जी से लेकर के, वो भी वरिष्ठ साइंटिस्ट सद्य आचार्य श्री के साथ बैठ जाएंगे। कुछ बाई तरफ बैठे हैं, कुछ दाहिनी तरफ बैठे हैं, श्रद्धा माई हमारी विदुषी बहने, जिनको बड़े उत्तरदायित्व दिए हुए हैं। उत्तरदायित्व तो इतने ज्यादा है, हमारे सामने इतने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उनको का निर्वहन करने के लिए हमारे सब सन्यासी भाई बहन प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। मंत्रोच्चारण के लिए इधर मकर संक्रांति के विशेष यज्ञ के लिए संकल्प पाठ पूर्वक आज का यह अनुष्ठान प्रारंभ करें। मैं तो जो है उत्सव पूर्ति के लिए बीच में सेतु का काम कर रहा था कि हम सब मिल करके प्रतिबद्ध हों, तो मैं कह रहा था 2 बड़े कार्यों के संकेत को बस पूरा करके आज के यजन को प्रारंभ करते हैं। ये हमारे जो मुसलमान भाई हैं, अपना कैलेंडर 1400 साल पुराना बताते हैं, हमारे ईसाई भाई अपना कैलेंडर 2200 साल पुराना बताते हैं। सी जिनपिंग के देश वाले, चाइना वाले, लेनिन मार्क्स माओ के जो वंशधर हैं, वो अपना कैलेंडर 3000 साल पुराना बताते हैं। हमारा कैलेंडर करीब 200 करोड़ वर्ष पुराना है, जो हम संकल्प पाठ में सदियों से कर रहे हैं। तो इतना पुराना कैलेंडर, इतनी पुरानी संस्कृति, इतने पुराने संस्कारों का पावन प्रवाह, इतनी सास प्रथमा संस्कृति विश्ववारा के हम उद्घोषक, और इस पर गौरव है हमको। तो मैं कह रहा था जैसे हमने उत्पादों के अंदर एक नया कीर्तिमान बनाया, ऐसे ही
पूरे देश में जैसे घर घर में आज कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत को लोग जानते, कोई हिंदुस्तान का ऐसा घर नहीं जहां पर कम से कम लोग पांच आसन और पांच प्राणायामों के नाम न जानते हो। ये 30 वर्षों का पतंजलि का पुरुषार्थ है। ऐसे आने वाले 5 वर्षों में इतना बड़ा कार्य हमें आयुर्वेद के क्षेत्र में कर देना है और सनातन धर्म के मूल्यों को पूरी वैज्ञानिकता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ प्रतिष्ठापित कर देना है कि हर घर में लोग मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, नीरोग्रिट, मेधावटी, ये जो लिवोग्रिट, रिनोग्रिट, क्या क्या अद्भुत काम हुए और अब तो इस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 काम बाकी थे। इस बार मुझे प्रसन्नता हुई कि बहुत जल्दी ही टीबी की, आयुर्वेद की पहली दवा भी पतंजलि में बनने वाली है। एंटीबायोटिक दवा आयुर्वेद में थी नहीं, तो पहली एंटीबायोटिक भी पतंजलि बनाने वाला है श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में। और ये तो मैंने कुछ संकेत किए, ऐसे अभी हमने टोटलिटी में तो कैंसर को हमने घेर लिया है, उसको भी धराशाही कर दिया है, वो भी क्या याद रखेगा, पड़ा किसी से पाला। अब जो स्पेसिफिक ऑर्गेन स्पेसिफिक जो कैंसर होता है, जैसे मैं सुबह बात कर रहा था और ये सब, हाँ अभी मैं दिल्ली गया तो एक जो भाई मिला मेरे से, बोले जी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, एजेंट के ऊपर, मैंने मिडिल ईस्ट का एक सीख पकड़ा और उसको मैंने 20 करोड़ रुपए की स्टेम सेल थेरापी दी जवान बनाने के लिए, एक एक आदमी को 20-20 करोड़ की। तो पहली एंटी एजिंग दवा भी पतंजलि ही बनाने वाला है, बन चुकी है, कुछ और उसमें परिष्कार होने वाला है। तो अब पतंजलि में बूढ़े दिखाई नहीं देंगे, सब जवान ही जवान दिखाई देंगे। हाँ, पहले तो अपने लोगों को बूढ़ा होने से बचाएंगे, अब कोई सीनियर सिटीजन दिखेगा नहीं पतंजलि में। डॉक्टर महावीर जी और आदरणीय अजय बाबू जी मुस्कुरा रहे, तो हाँ ये कार्य हो रहा है। ये बात कोई अनुसंधान की औषधियों तक सीमित नहीं है, ये औषध निर्माण और पदार्थ निर्माण हमारा सेकेंडरी कार्य है। हम ऐसा व्यक्ति निर्माण का काम कर रहे हैं जिससे एक नए युग का निर्माण होगा, नए युग का निर्माण होगा। इस तरह से आपको अपने आप को तैयार करना है। तो बस इतनी बात कह करके हम आगे बढ़ रहे हैं और सारे इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हमारे बीच में हैं, उनके प्रमुख व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं, वो सब अपना अपना सामर्थ्य निर्भर होकर के पूरी तरह से निर्भर होकर के पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण परमार्थ की भावना से आगे बढ़ते हुए हम, जैसा हमारे पूर्वजों ने कहा वैसे हम अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज मकर संक्रांति पर हवन कैसे होना चाहिए, अब मकर संक्रांति ये यज्ञ पर्व, हमारे सारे पर्वों के मूल में यज्ञ है और यज्ञ पर भी सबसे पहले बहुत बड़े रूप में अनुसंधान पतंजलि की तरफ से ही हो रहा है, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, और इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में उसके रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। हमने तो 2-3 सन्यासियों की आहुति भी हवन में दे दी है। आहुति हवन में देने का मतलब कि उनके हवन में उनको भस्म नहीं कर दिया है। जय पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी और जय हमारे नकुल देव जी, ऐसे बहुत लोग सन्यासियों को उसमें आहुति दे रखी है, लगे हुए हैं सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार और सब दिशाओं से योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी अर्थात प्रकृति और संस्कृति का ये उत्कर्ष हो रहा है। अब संकल्प पाठ पूर्वक आगे बढ़ते हैं। तत्सत्
तत्श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्दषण्णवतिकोटि अष्टलक्षत्रिपञ्चाशत्सहस्र त्रयोविंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे नवसप्तत्युत्तरद्विसहस्रतमे नलनाम्नि विक्रमसंवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां तिथौ शनिवासरे भूरादिसप्तलोकानामन्यतमे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते उत्तराखण्डप्रान्ते पावनगङ्गायाः पवित्रतीरे हरिद्वारमहातीर्थसमीपे स्थिते पतञ्जलियोगपीठस्थे द्वितीयचरणे योगभवने पवित्रयज्ञवेदिकायां वयं सर्वे अन्तेवासिनः मकरसङ्क्रान्तिपर्वोपलक्ष्ये विशिष्टं हवनं श्रद्धया भक्त्या शान्त्या धैर्येण च करिष्यामहे हे प्रभो कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसम्पन्नं भवेत्। देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासति प्रशिषय्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्रा जाजगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितै येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणां सर्वो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्थितिये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेरय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा तेन मौक्तिं विधेम इति
ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना से भगवान के साथ अपनी प्रीति प्रगाढ़ करते हुए निराभिमानिता के साथ भगवान के साथ एकात्म होते हुए आचमन पूर्वक आगे क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ओम अमृतोपसरणमसि स्वाहा। सत्यं यशस्वि वैशिष्यतां स्वाहा। क्षारण करके बाएं हाथ के अंजलि में जल लेते हुए एक एक अंग प्रत्यंग की शुचिता के साथ पवित्रता पूजा की प्रथम सीढ़ी है। बिना पवित्रता के बिना सात्विकता के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते धर्म में। ओम वासिष्ठो ओम नसोर में प्राणो अक्षोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु ओम अरिष्टानि भिंगानि तनुस्तन्वामे सहसं। यज्ञ कुंड पर विराज महाराज इस देव जी उधर बैठो। ओम भूर्भुवस्सः। प्रतिदिन जो हम ये हवन करते हैं ना, ये बाहर का दीप जलाते हुए जैसे संविधाओं की प्रसुप्त अग्नि को हम प्रतिदिन जलता हुआ देखते हैं, हमारा अंतर दीप जले। ओम भूर्भुवस्सर्गोरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवीदेवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्याया दधे। ओम उद्बुद्ध्यस्माग्ने प्रतिजाग्रहित्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब समिधा ध्यान करते हैं। एक एक समिधा की आहुति श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो मंत्रों का विनियोग है, मंत्रों के जो शब्दार्थ तत्वार्थ हैं, इन सब के साथ पूरी तरह से एकात्म होते हुए और इस सृष्टि के दृष्ट अदृष्ट मूर्त अमूर्त सत्यों को आत्मसात करते हुए हम भगवान के आशीषों से अभिषिक्त होकर के दैवी शक्तियों के साथ अमूर्त सत्यों के साथ समवेत होकर के यज्ञ में आगे बढ़ते हैं। ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्ते वेद्य स्वर्ध स्वजेध वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं धुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे
इलन्नमम ॐ तन्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये निरसे इदन्नमम। सभी एक साथ अयंत इधमा आत्मा से पंच घृताहुतियां प्रदान करेंगे। ऐसा अपना स्वभाव बनाइए। मैंने देखा है स्वयं गुरुकुल में पढ़ते हुए, मैं पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में भी देखता हूँ, हवन चल रहा होता है कुछ बच्चे चुपचाप बैठे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो करें उसमें 100% इन्वॉल्व होकर के करें। तो सभी बालक बालिकाएं कोई भी खामोश मौन नहीं रहे, पूरी तरह से मंत्रोच्चारण करते हुए और मंत्रों की जो ध्वनि है, मंत्रों का जो तत्वार्थ है, शब्दार्थ है, जो उनका ध्येय है, उसके साथ एकात्म होकर के यज्ञ में सम्मिलित रहें। और ये स्वर मात्र हरिद्वार ही में नहीं गूंज रहे हैं, वैदिक चैनल के माध्यम से, फेसबुक, सोशल मीडिया के जितने भी अलग अलग अकाउंट्स हैं, सबसे पूरा देश हमारे साथ, मकर संक्रांति हो, होली हो, दिवाली हो, प्रत्येक पर्व को देश के करोड़ों भाई बहन हमारे साथ जोड़ते हैं, उन सबका भी हम अभिनंदन करते हैं कि वो हमारे साथ इस वैदिक सनातनी संस्कृति में एकात्म रहते हैं और निरंतर अपने इस शाश्वत परंपरा को आगे बढ़ाते रहते हैं। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्ते नेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ॐ अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ॐ अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ॐ अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ॐ अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे जल प्रोक्षण। ओ अदिते मन्यस्व अनुमते मन्यस्व सरस्वत्यनुमन्यस्व देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। ॐ
अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदम् नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदम् सोमाय इदम् नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदम् प्रजापतये इदम् नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदम् नमः अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चस्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रीन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदम् नमः ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदम् वायवे पानाय इदम् नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदम् नमः ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदम् नमः ॐ आपो ज्योतिरसोमृतम् ब्रह्म भूर्भुवस्वरूम् स्वाहा ॐ या मेधाम् देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविलम् कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम् तन्नासुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणवे नो भूयिष्ठान् तेन मौक्तिम् विधेम स्वाहा भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणम् प्रजाम् पशुम् कीर्तिम् द्रविणम् ब्रह्मवर्चसम् मह्यम् दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यशूरैषव्योतिव्याधिमहारथो जायताम् दोग्धे धेनुर्वोढा नद्वानाशु सप्तिः पुरन्धिर्योष जिष्णुरधेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्
योगक्षेमो रः कल्पतां स्वाहा। ॐ राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं नमः। ॐ राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं नमः। ॐ राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं नमः। विशिष्ट यज्ञ की आहुतियां भी सब मिलकर के ही बोलेंगे, और ये मंत्र तो सभी को स्मरण है, और सबको धीरे धीरे कुछ वेद की ऋचाएं तो स्मरण होनी ही चाहिए। कोई दुनिया में मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसको कम से कम 25-50-100 अपनी आयतें जो भी उनके कुरान में बाइबल आदि में, और अपने भी अलग अलग जो सांप्रदायिक भारत में गुरु परंपराएं हैं, अपने अपने गुरु परंपरा संप्रदाय परंपरा के अनुरूप उनको अपने परंपराओं का बोध ना हो, तो आइए हम सब भी ये विशिष्ट यज्ञ की आहुतियाँ भी मिलकर के प्रदान करते हैं। ॐ भूरग्नये स्वाहा, इदमग्नये इदं नमः। ॐ भूर्वायवे स्वाहा, इदं वायवे इदं नमः। ॐ सरादित्याय स्वाहा, इदमादित्याय इदं नमः। ॐ भूर्भुवस्वरग्निहाय वादितेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवाय वादितेभ्यः इदं नमः। ॐ भूर्भुवस्सः अग्नायुंषि पवसः सूर्यमिषञ्चनः, आरेवानस्वदुच्छुनां स्वाहा, इदमग्ने पवमानाय इदं नमः। ॐ भूर्भुवस्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः, तमीमहि महादयं स्वाहा, इदमग्ने पवमानाय इदं नमः। ॐ भूर्भुवस्वः अग्निपवस्वस्वपा अस्मे वर्चस्सुवीर्यम्, दधद्रयीं मयि पोषं स्वाहा, इदमग्नये पवमानाय इदं नमः। ॐ भूर्भुवस्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा, जातानि परिता बभूव, यत्कामासे जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याः पतयोरयीणां स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ मन्नो अग्ने अरुणस्य विद्वान् देवस्य हेतो वयासि शिष्ठाः, यैषो वह्नितमसोऽशु चानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्ध्यस्म स्वाहा, इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ॐ सत्वन्नो अग्ने गमो भवोति निरिष्टो अस्य उषसो विष्टौ, अवयक्ष्मो वरुणं ब्रानो वीरीर्निडैकं सुहवो नरेधी स्वाहा, इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ॐ इमं मे वरुणश्रुधिहवमद्या च मृडय, त्वामवस्युराचके स्वाहा, इदं वरुणाय इदं नमः। ॐ दत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमाना हविर्भिः, अहेरमानो वरुणेन बोध्युर्शंसमान आयुः प्रमोषिः स्वाहा, इदं वरुणाय इदं नमः। ॐ एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिया पाशा वितता महान्तः, तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा, इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः
इदन्नमः ओम अयाश्चाग्नेस्य नभिषस्ति पाश्च सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहास्य यानो धेहि भेषजं स्वाहा इदमग्नये अयसे इदन्नमः ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शथाय अथा वयमादित्य व्रते तवा नागसो अयतये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च इदन्नमः ओम भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मायज्ञं हिंसिष्टं मायज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नमः मकर संक्रांति की विशेष आहुति ॐ सहस्य सहस्यश्च हेमन्तिका ऋतु अग्निरन्तः श्लेषोऽसि कल्पेताम् द्यावा पृथिवी कल्पन्ताम् ओषधयः कल्पन्ताम् अग्नयः पृथङ् मम ज्येष्ठाय सव्रताः ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावा पृथिवी इमे हैमन्तिका ऋतु अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयाङ्गिरस्व ध्रुवे सीदतं स्वाहा ॐ तपश्च तपस्यश्च शैरीरा ऋतु अग्निरन्तः श्लेषोऽसि कल्पेताम् द्यावा पृथिवी कल्पन्ताम् औषधयः कल्पन्ताम् अग्नयः पृथङ् मम ज्येष्ठाय सव्रताः ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावा पृथिवी इमे शैशिरा ऋतु अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवतयाङ्गिरस्व ध्रुवे सीदतं स्वाहा सृष्टिकृता होति सृष्टिकृत आहुति जब भी हम प्रदान करते हैं तो मन में पावन संकल्प रखना चाहिए। एक एक हमारे जो विधान है धार्मिक रूप से उनकी बड़ी महिमा है। कई बार हम अनजाने में ही सदवृत्त से सदसंकल्पों से सत्व से जुड़े हुए नहीं होते। हमारे मन में रजस तमस नहीं होना चाहिए। जब भी हम सृष्टिकृत आहुति प्रदान करें तो अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए और पूरी समष्टि के कल्याण के संकल्पों के साथ यह आहुति प्रदान करें। ओम यदस्य कर्मणो त्यरीचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निश्चिष्टकृत् विद्या सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान् कामान् समर्थय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्नमः ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमः ॐ सर्वं वै पूर्णघ्नं स्वाहा अभी सभी मंचाभिमुख होकर के सीधे बैठ जाएंगे यज्ञ प्रार्थना के लिए। पूजनीय प्रभु हमारे भाव हो जल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद
की बोले जाए सत्य को धारण करे हर्ष चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के सुखिनः सर्वे संत निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध बोध धन धान्य से वंचित रहे न को आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष
नारायण प्रभु आप पाप के मोचन हार क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निहार साधु संगत सुख दीजिए साधु संगत सुख दीजिए। श्रद्धे पूज्याचार्य श्री से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो भी मंच पर आकर के सब बालकों को अपने आशीषों से अभिषिक्त करें और पतंजलि परिवार के लगभग सभी बालक इसमें सम्मिलित तो हो जाते हैं। देवप्रिया के हिमालय में स्वर्ग में रहने वाले बालकों को भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे देशवासियों को पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति और भगवान की कृपा भगवान के आशीष सदा रहें और श्रद्धे पूज्य आचार्य जी के भी आशीर्वाद सब पर बने रहें। आप भी अपने आशीषों से सबको अनुग्रहित करें। श्रद्धे आचार्य श्री ओ परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज और यहाँ पर आज इस पावन पर्व पर जितने भी हमारे वैज्ञानिक भाई बहन हैं थोड़ी देर बैठ जाएं, या आधा घंटे का और कार्यक्रम है उसके बाद में आप प्यार से जाएंगे तो 15-20 मिनट के लिए प्लीज आप लोग बैठे रहिए। जो बसें हैं वो भी रुक जाएंगे, आपको ले भी ना जाएंगे नहीं जिनको, क्योंकि दूर दूर जाना होता है, वो लोग भी बैठ जाएं, प्रसाद लेके जाएं और प्रसाद भी मिलेगा, प्रसाद नहीं पूरा नाश्ता मिल जाएगा। बैठे तो अभी प्रसाद वितरण का ऐसा कर लें कि 4-5 भाई इस गेट पर लेकर के और उधर 8-10 लोगों को लगा दो, जब निकलें तो प्रसाद मिल जाए, अभी से व्यवस्था कर दीजिए आप लोग, बाकी के सबके अपने संस्थानों में प्रसाद। और जो बच्चे हैं नहीं उनको भी यहीं दे दो, नहीं उनकी उनके संस्थानों में, उनके संस्थानों में आचार्य कुलम में गुरुकुलम में। हाँ तो जो बच्चे हैं आचार्य कुलम गुरुकुलम वो नहीं लेंगे यहाँ से प्रसाद, क्योंकि उनका प्रसाद पहले ही पहुँचा दिया गया है उनको वहाँ पर मिलेगा, बाकी सब अपने यहाँ से लेकर के जाएंगे। और जिनको खांसी है वो मूंगफली नहीं खाएंगे, वो बाद में खा लेंगे रख सकते हैं, क्योंकि उससे खांसी बढ़ जाती है मूंगफली से तत्काल रूप से। आज और कल दो दिन, क्योंकि पहले हमारे त्यौहार वर्ष में एक दिन होते थे, आजकल दो दो दिन होते हैं, उसमें भी हमारी मर्जी होती है कि जब चाहे हम तब मनाएं। तो बहुत सारे लोग आज मकर संक्रांति मना रहे हैं पर बहुत बहुत लोगों का कल भी है, तो इसीलिए हम तो प्रारंभ भी अंत भी और त्यौहार को उत्सव मनाने की यह परंपरा पतंजलि की श्रद्धेय स्वामी जी की कृपा से हम सब बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में आनंदित और प्रसन्नता के साथ में पूरे तन्मयता के साथ में और पूरी उन ऋषियों की परंपरा को स्मरण करते हुए मनाते हैं। मकर संक्रांति का यह पावन पर्व हम सब जानते हैं कि सूर्य जो है सूर्य भगवान अब उत्तरायण की ओर प्रस्थान कर गए हैं, क्योंकि उत्तरोत्तर जो शब्द है वो वृद्धि का परिचायक है, सूर्य भी अब वृद्धि की ओर है। और सच मानिए तो यह जो ऋतु है, अब श्रद्धेय स्वामी जी अभी कुछ दिन पूर्व मुझे कह रहे थे कि मैं गिलोय का काढ़ा ताजा कुटवा करके पीता हूँ तो मुझे नीचे गिलोय का सत बहुत मिलता है, तो पूज्य स्वामी जी आज के बाद में मार्च तक आपको और ज्यादा मिलेगा। थैंक यू, क्योंकि जो सूर्य का उत्तरायण होने के बाद में औषधियों में जो गुणों की अभिवृद्धि भी होती है, औषधीय तत्व की भी अभिवृद्धि होती है, जड़ी बूटियां परिपक्व हो जाती हैं और उनके औषधीय गुणों से वो भरपूर हो जाती हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग रिसर्च करेंगे। हमारे पास एक ऐसा गिलोय है पूज्य महाराज श्री
कि जो टिनोस्फोरिन टिनोस्फोरिन कार्डिफोलिन कार्डिफोलिन जो है टिनोस्फोरा जो कार्डिफोलिया गिलोय है उसका जो कार्डिफोलिन है नॉर्मली गिलोय में आधा प्रतिशत 1% से कम कम होता है। एक गिलोय हमारे यहाँ पर ऐसी गिलोय है उसमें 4% है महाराज जी। तो मैं चाहूँगा कि कल अभी इसके बाद में 10 दिन के बाद में लोगे तो शायद हो सकता है उसमें 6% मिल जाए। तो मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ इसके बाद वसंत पंचमी का पर्व हम मनाते हैं फिर वसंत ऋतु भी प्रारंभ होने लगता है तो वसंत ऋतु में भी जो नई कोपले और पल्लव जो फूट करके निकल करके आते हैं उस समय पर वो औषधीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि वसंत ऋतु के अंदर यदि कोई नीम के पत्ते का सेवन कर लेता है 2 माह पूरे वर्ष भर ज्वर आदि बीमारियों की होने की संभावना नहीं रहती है। तो यह शोधन काल भी है यदि आयुर्वेद के दृष्टि से देखें तो देह परिवर्त देह के अंदर भी यह परिवर्तन का समय है। इसीलिए इस समय पर आप जितना अधिक अपने शरीर को शोधन का प्रयास करेंगे स्निग्ध पदार्थ आदि के माध्यम से तो यहाँ पर आज इसीलिए हम जो थोड़ा गरिष्ठ आहार भी होते हैं जैसे तिल है मूंगफली है वस्तुतः ये तैलीय आहार हैं यानी वो स्निग्धता को भी देते हैं वो बल को भी प्रदान करते हैं वो गरिष्ठ भी हैं। इस तरह के आहार का सेवन किया जाता है जिससे कि शरीर के अंदर नई स्फूर्ति नई ऊर्जा और नया रक्त का संचार हो नया रक्त का निर्माण हो। तो अभी यह क्योंकि अब शीतकाल का समय जाने को भी है तो जितना शारीरिक श्रम और व्यायाम भी अभी वसंत ऋतु के समय तक हमको भरपूर करना चाहिए। तो अब लगभग सर्दी भी जो है क्योंकि मकर संक्रांति का मतलब ही ये होता है कि अब सर्दी जाने को है अब दिन जो है वो बड़े होने को हैं और जो है रात छोटे हो जाएंगे। तो हम सब उन ऋषियों के कितने हमारे ऋषि महान थे कितने वैज्ञानिक थे ये सब के परिचायक हैं हमारे त्यौहार हमारे पर्व जिनका संबंध किसी न किसी इस सौरमंडल पृथ्वी मंडल जो प्रकृति के विविधता का जो परिवर्तन का द्योतक है उस सब को हम बड़े उल्लास के साथ मनाएं। और अभी जो आप विचार करेंगे जो पढ़ेंगे क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण के होने के बाद ही जितने भी शुभ कर्म में आप देखेंगे अभी वसंत पंचमी में वो नया विद्यारंभ का काल भी शुरू होता है बाकी चीज़ें भी शुरू होती हैं विवाह के भी मुहूर्त अब शुरू हो जाते हैं ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए नहीं गृहस्थी तो करेंगे ना महाराज जी। तो अभी कल ही बहुतों की शादियां हैं हमको भी जाना है कई सारी जगह पर तो ये एक तरह से ये वृद्धि का समय है चाहे जीवन के अंदर। इसीलिए जिनको साधना में अभिवृद्धि चाहिए जिसको तप में अभिवृद्धि चाहिए यानी जिसको जिसमें अभिवृद्धि चाहिए वो सहजता के साथ मिलेगा। थोड़ा सा क्रोध करोगे ज्यादा मिलेगा थोड़ा सा गुस्सा करोगे ज्यादा मिलेगा थोड़ा सा मौन करोगे तो ज्यादा मिलेगा थोड़ा सा शांत रहोगे तो ज्यादा मिलेगा। अब ये आपको तय करना है बच्चों थोड़ा सा पढ़ोगे तो ज्यादा याद हो जाएगा थोड़ा सा चिड़चिड़ करोगे तो ज्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे। तो किसको क्या करना आप लोग तय कर लेना मल्टीप्लाई होकर। तो हमारा काम तो ये था कि मल्टीप्लाई हो करके आपको उसका कई गुना हो करके आपको मिलने वाला है जो रिसर्च करेंगे कई गुना मिलेगा थोड़ा सा काम करोगे ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे और ज्यादा करोगे तो फिर महाराज जी भी थोड़े से करने से ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए जिसको जो चाहिए वो कर लेना हमने तो विधि उपाय और समय बता दिया। तो मुझे विश्वास है क्योंकि पतंजलि की परंपरा है शुभ की अभिवृद्धि और अशुभ का काल हरणम करने का जो हमारी प्रवृत्ति है उसी की तरह से हम शुभ की ओर प्रवृत्त होंगे और देश समाज और दुनिया को भी शुभ की ओर ले जाने के लिए हम सदैव प्रेरित करते रहेंगे। तो आप सबको पुनः मकर संक्रांति इस पावन पर्व की बहुत शुभकामनाएं हैं भगवान से आपके मंगल के लिए आपके कल्याण के लिए बहुत प्रार्थना है कि हम सब सुखी हों दुनिया भी सुखी हो सर्वे भवन्तु सुखिनः ये हमारी ही संस्कृति है। दुनिया के अंदर जितने भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं वो प्रायः है ऐसा कहता है कि हमारे समूह खुशी हो हमारे जाति वाले खुश में हो हमारे संप्रदाय वाले खुश हो हमारे धर्म वाले खुश हो पर हमारे ऋषियों की जो महानता है उनकी उदात्तता है उनकी एक तरह से कहें कि उनकी बहुत समष्टि के लिए एक उदाहरण है कि जब वो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः तो इसी भावना के साथ में जब सर्वे भवन्तु सुखिनः हम कहेंगे तो स्वतः ही हम भी स्वयं सुखी हो जाएंगे।
यदि हम कहेंगे भगवान मुझे सुख दे दे, पड़ोसी दुखी होगा तो कभी तुमको चैन से रहने देगा नहीं। इसीलिए अपने सुख की कामना मत करो, क्योंकि पड़ोसी दुखी होगा तुमको सुख से रहने देगा नहीं। तो इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिन के भाव से हम जिए, जिससे कि सब सुखी होंगे तो हमको कोई दुख देने वाला भी नहीं होगा। तो इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि को हम प्राप्त करें और ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए और अपने जीवन को एक आदर्शमय बनाते हुए दुनिया के लिए भी हम एक उदाहरण बना सकें। तो सबके लिए पुनः मकर संक्रांति की मंगल शुभकामनाएं संपूर्ण देशवासियों को और आप सबको, आपके पारिवारिक जनों को, संपूर्ण विश्वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम। तो सभी पूरी तरह से आज, जैसे मैंने प्रथम ही कहा, श्रद्धाचार्य श्री के आगमन से पूर्व कि हर पल ये सोचना है कि आई एम द यूनिक क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी, मैं भगवान की एक अप्रतिम विशिष्ट रचना हूं। इस पिंड में ब्रह्मांड का सारा सामर्थ्य प्रभु ने मुझ में समायोजित किया है। मुझे ऐसे कर्म करने हैं, ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे कि मैं तो स्वस्थ, समृद्ध और वैभवशाली बनूंगा ही, और मेरे स्वस्थ, समृद्ध, वैभवशाली बनने से भारत परम समर्थ बनेगा, परम वैभवशाली बनेगा। और जैसे मैंने कहा, हर सप्ताह जब आप रविवार को यज्ञ करते हैं तो उसके बाद ये चिंतन तो हर बहुत गहरे तक हमारे अंतर मन प्राण चित्त चेतना आत्मा में बैठ जाए कि मुझे अपना, अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को ऐसे गढ़ना है, एक ऐसा नेतृत्व मुझे अपने भीतर विकसित करना है जिससे कि मैं अपने सनातन धर्म का भारत ही नहीं पूरे विश्व में गौरव वर्धन कर सकूं, ऐसे आपको बालक बन के दिखाना है। और जब आप ऐसे बनेंगे और अपने जीवन से नव कीर्तिमान घड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको गौरव अनुभव होगा, आपके कुलवंश को और ये पूरी भारत माता, पूरी प्रकृति माता धन्यता अनुभव करेगी। आप सब इन्हीं भावनाओं के साथ सदा ओतप्रोत रहें, इसके लिए पर्व हैं। और मकर संक्रांति की ये क्रांतिपूर्ण विचार, पर्वों की ये पूर्णता, दिव्यता हमारे जीवन में सदा समाहित रहे। अब शांति पाठ के साथ आज के अनुष्ठान को पूर्णता प्रदान करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति।